गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए तो सबसे पहले तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, तो पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। आज के क्लास में देखिए हम लोग क्वेश्चन सी पे आए, नहीं बी पे है, अभी क्वेश्चन बी भी बचा हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन बी में देखिए है क्या, इसे बताना है कि कौन पॉजिटिव। पहले तो एडजेक्टिव सबको सर्किल करना है, तो क्वेश्चन बी में हम लोग एडजेक्टिव सर्किल करेंगे। तो बी में पहला क्या होगा हम लोग का, रिच है। तो रिच हम लोग का जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा स्वीट, क्या है स्वीट है, स्वीट भी जो है पॉजिटिव है। तीसरा स्वीटर, यहाँ पे स्वीटर क्या रहेगा, कॉम्पेरेटिव है, तो सी। चौथा स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट हम लोग का, इस सबको क्या करना है आप लोगों को, सर्किल करना है। ये जो हम लिख रहे हैं इसको सर्किल कीजिएगा, जो हम लिख रहे हैं उसको क्या कीजिएगा, सर्किल कीजिएगा। उसके बगल में लिखना है ये जो है सुपरलेटिव है। पांचवा माय नेबर इज ए काइंड, तो कैसा है काइंड है, काइंड क्या हुआ पॉजिटिव है। सिक्स ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट क्या होगा हम लोग का, सुपरलेटिव है, ठीक है। तो ब्राइटेस्ट को भी सर्किल करेंगे। सेवन कोल्डर, कोल्डर क्या होगा हम लोग का, कॉम्पिटेटिव है। आठवा लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट भी क्या है हम लोग का, ये सुपरलेटिव है। नाइन नंबर फास्ट, पॉजिटिव है। दस नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट में क्या आ जाएगा हम लोग का, ये सुपरलेटिव है। तो यहां तक हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब हम लोग क्वेश्चन सी पे आते हैं। क्वेश्चन सी में कुछ नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन सी में पॉजिटिव दिया गया है और जो कॉम्पेरेटिव आप बना रहे हैं, तो देखिए कॉम्पेरेटिव में करना क्या है, जो कॉम्पेरेटिव है और सुपरलेटिव है, ठीक है। देखिए कॉम्पेरेटिव में क्या करना है, जो भी शब्द है उसका आखिरी, जैसे सैड है तो सैड का जो आखिरी शब्द है, आखिरी क्या, आखिरी मतलब शब्द का आखिरी जो लेटर है उसको डबल करके ईआर जोड़ देना है। कॉम्पेरेटिव में सारा में उसी तरह होगा, वेट में भी क्या हो जाएगा इसी तरह होगा वेटर। और इसमें क्या करना है उसको डबल करके ईएसटी जोड़ देना है, क्या करना है डबल करके ईएसटी हम लोगों जोड़ देना है, ठीक है। तो इसी तरह हो जाएगा सारा में आप कर सकते हैं, इसी तरह सारे में आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डी में देखिए क्या है, क्वेश्चन डी में इसमें क्या करना है आप लोग को, सिर्फ कंपेरेटिव में सिर्फ आर को ऐड कर देना है। आर जोड़ना है मतलब जेंटल का क्या हो जाएगा, जेंटलर हो जाएगा, नोबल का नोबलर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जेंटल का जाएगा यहाँ पे जेंटलेस्ट, ठीक है। और इसमें क्या करना है एसटी जोड़ना है, इसमें सिर्फ आर जोड़ना है कंपेरेटिव में, सुपरलेटिव में एसटी जोड़ना है, तो नोबल नोबलर का फिर आगे बढ़ेगा तो नोबलेस्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन ई में क्या है हमारा, कॉस्टली, कॉस्टली। तो क्वेश्चन ई हम आपको, क्वेश्चन ई भी कुछ नहीं है, देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन ई भी, आप आसानी से कर सकते हैं, हम करा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ई में क्या है, जो वाई दिया है उसको आई में बदल देना है, जिसे कॉस्टली, कॉस्टली है तो कॉस्टली में वाई को आई में बदल के ईआर जोड़ देना है, ठीक है। उसी तरह इसमें का सारे में का वाई को बदल के, क्वेश्चन के सारे में के वाई को बदल के आई में ईआर जोड़ना है। और इसमें क्या करना है, वाई को आई में बदल के ईएसटी जोड़ना है, क्या करना है वाई को आई में बदल के ईएसटी जोड़ना है। तो सारे ई में उसी तरह है, एफ में भी कुछ नहीं है, एफ भी आपको मैं बता देता हूँ। एफ में क्या करना है, कॉम्पेरेटिव डिग्री में
मोर लगा के सबको लिखते जाना है, ठीक है, मोर लगा के सबको लिखते जाना है कॉम्पेरेटिव में, क्वेश्चन एफ में, इसमें एफ में क्वेश्चन एफ। अब इसमें जब होगा सुपरलेटिव डिग्री वाला जो आएगा एफ का, उसमें क्या करना है, मोस्ट लगा के उसी शब्द को लिख देना है, मोस्ट लगा के उसी शब्द को, मोर लगा के उसी शब्द को कंपेरेटिव में, मोस्ट लगा के उसी शब्द को सुपरलेटिव में, ठीक है। और क्वेश्चन जी और एफ जो बचा वो अगले क्लास में कराएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इसको क्या कीजिए तो नोट कर लीजिए उधर वाला, और इधर वाले को आप अपने अच्छे से समझ के बार बार वीडियो देखकर सही सही बनाइए, ठीक है। Thank you and have a nice day.